हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ, उसी के साथ एक कंपैरिजन भी करने वाली हूँ। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मामा अर्थ विटामिन सी डेली ग्लो ल्यूमी क्रीम विद विटामिन सी एंड टर्मरिक फॉर मॉइस्चराइज्ड ग्लो। यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। आई थिंक दे हैव रिसेंटली लॉन्च्ड दिस प्रोडक्ट एंड मैंने भी बस रिसेंटली परचेज की है। और दिस इज मेड सेफ डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड सूट्स ऑल स्किन टाइप्स। 30 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट क्वांटिटी आपको इसमें मिल जाएगी एंड क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है ये। एंड यू नो दिस इज फॉर ₹299, ऑलमोस्ट ₹300 का प्रोडक्ट है ये। एंड लेट मी शो यू द पैकेजिंग इटसेल्फ। यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ये ट्यूब पैकेजिंग में आपको मिल जाती है, विच इज वेरी कन्वीनियंट टू यूज। देख के यू नो इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग वगैरह देख के ना मेरा जो दिल किया, मैंने इसको फेस के ऊपर ट्राई नहीं किया लेकिन मैंने इसको हैंड के ऊपर स्वॉच करके एक बार देखा था। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसका कंपैरिजन वीडियो किया जाए लैक्मे की ल्यूमिन क्रीम के साथ। जो 30 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी में आती है ये भी कुछ 299 MRP के साथ ही आ जाती है। यू कैन सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, सो बोथ द ट्यूब्स ऑल्सो लुक्स वेरी सिमिलर टू ईच अदर, यू कैन सी। ठीक है, सो आई थॉट व्हाई नॉट टू कंपेयर दीज टू। तो चलो साइड बाय साइड में आप लोगों को कंपेयर करके दिखाने वाली हूँ। राइट नाउ आई हैव नथिंग ऑन माय स्किन। मैंने फेस अच्छे से वॉश कर लिया है, हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाया है, नॉट वेरी ड्यूई काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर। मैंने बहुत लाइट वेट सा ये ग्लो एंड लवली का हाइड्राग्लो मॉइस्चराइजर लगाया है, विच इज नॉट अ ड्यूई और नॉट अ वेरी हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर। सो बस थोड़ा सा स्किन को फीड करने के लिए सबसे पहले मैं एक साइड पे लगाऊंगी मामा अर्थ का ये विटामिन सी वाला यू नो ल्यूमी क्रीम, इस वजह से बिकॉज इसको सबसे पहले ट्राई कर लेते बिकॉज इट्स अ न्यू प्रोडक्ट। एंड यू कैन सी दिस इज हाउ द कंसिस्टेंसी लुक्स लाइक। यू कैन सी, ठीक है, इट्स वेरी लाइट जेल सॉर्ट ऑफ टेक्सचर की कंसिस्टेंसी। यू कैन सी द ह्यू पिंक ह्यू इन दिस प्रोडक्ट। यू कैन सी, ठीक है, आई विश इसमें गोल्डन वाला भी आए, लाइक गोल्ड ह्यू वाला, सो दैट अगर किसी की डस्की स्किन है या फिर रिच स्किन है तो, बिकॉज जनरली क्या होता है कि पिंक जो ह्यू होता है ना, जो पिंक अंडरटोन होता है वो ज्यादा सूटेबल नहीं रहता है डस्की स्किन के लिए। समटाइम्स क्या होता है पिंक जो कलर होता है ना, जो लाइक जो पिंक अंडरटोन होता है या फिर पिंक ल्यूमी क्रीम जो होती है, लेट मी शो यू सी, ठीक है, इसमें एक पिंक हिंट आ रहा है। पिंक यू नो वो फेयर स्किन के लिए तो बहुत अच्छे से काम करता है, बट डस्की स्किन टोन के लिए उतने अच्छे से काम नहीं करता है। डेफिनेटली दिस हैज वेरी ब्यूटिफुल वेरी सटल ग्लो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम से, एंड दिस साइड जहाँ पे मैंने कुछ अप्लाई नहीं किया है, इस साइड पे कोई ग्लो नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं काफी अच्छे से मेरी स्किन ग्लो कर रही है। सो डेफिनेटली इट्स वेरी हाइड्रेटिंग एज वेल। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको अप्लाई कर रहे हो तो बहुत ज्यादा ड्राई आपकी स्किन हो जाएगी या पैची स्किन बना देते, बिकॉज मैंने एक्वालॉजिका के ड्यू ड्रॉप्स के साथ मेरी प्रॉब्लम यही है कि वो अगर स्किन को ग्लो देते हैं ना तो उसी के साथ ना वो बहुत ज्यादा यू नो मेरी स्किन को हाइड्रेशन नहीं देते या मॉइस्चराइजेशन नहीं देते। बट ये काफी हाइड्रेटिंग है प्रोडक्ट। यू कैन सी मतलब मेरी स्किन ड्राई नहीं लग रही है एंड यू नो कोई पैचीनेस नहीं है। आई थिंक बिकॉज वेदर भी चेंज हो चुका है इस वजह से। ओके, राइट नाउ आई कांट सी एनी शिमर पार्टिकल या कुछ ऐसा, बहुत फाइनली एक यू नो हाइलाइटिंग इफेक्ट है विच इज लाइक वेरी ऑब्वियस। अगर आप कोई ल्यूमी क्रीम ले रहे हो या कोई स्ट्रोब क्रीम ले रहे हो तो उसमें डेफिनेटली ऐसा हिंट तो होने वाला है थोड़ा सा, बट इट्स नॉट लाइक कि हैविली कोई चंकी पार्टिकल है या कोई ग्लिटर पार्टिकल है जो आपकी स्किन के ऊपर दिख रहे हो कहीं से। और इसमें बहुत माइल्ड फ्रेग्रेंस है विच इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, नाउ लेट मी ट्राई दिस लैक्मे लूमी क्रीम मॉइस्चराइजर विद हाइलाइटर दिस साइड। सी दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। लैक्मे लूमी क्रीम में काफी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, मुझे फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है इसकी, बट इफ यू यू नो हैव प्रॉब्लम विद फ्रेग्रेंस देन कंसिडर बाय बिफोर बाय।
ओके सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि मुझे ये वाली साइड मामा अर्थ वाली साइड बहुत ज्यादा सटल, बहुत ज्यादा नेचुरल ग्लो एक दिख रहा है. एंड द अदर साइड यू कैन सी एक यू नो मेरी स्किन को कहीं ना कहीं लैक्मे लुमिक्रम कहीं ना कहीं लिटिल बिट डल बना रहा है बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग पिंक टिंट. ठीक है, पिंक यू मामा अर्थ में भी है बट इट्स नॉट वेरी ओवर पावरिंग या वेरी स्ट्रांग जो आपकी स्किन को यू नो डल बनाए इफ यू हैव डस्की स्किन. बट या लैक्मे लुमिक्रम थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है इसमें पिंक टिंट, इस वजह से तो काफी सिल्वरिश सा दिख रहा है मेरी स्किन के ऊपर. या कोई शिमर पार्टिकल की बात करूं या ऐसा कुछ तो दोनों ही प्रोडक्ट्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपकी स्किन के ऊपर विजिबल रहे या कोई ग्लिटर चंक आ जाए या कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि अगर आप सनलाइट में जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने यू नो हाइलाइटर अप्लाई किया है. इट लुक्स वेरी नेचुरल. ठीक है, जस्ट लाइक अ स्ट्रोब क्रीम जो बहुत ज्यादा यू नो जैसे कि मैक की एक कल फेवरेट स्ट्रोब क्रीम आती है. अभी बहुत सारे ब्रांड्स सस्ते में भी बनाने लगे हैं लेकिन बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी हैं जैसे वो 1000 समथिंग में बनाते हैं विच इज नॉट अफोर्डेबल. आई डोंट नो, मुझे मामा अर्थ वाली साइड बहुत ज्यादा नेचुरल एंड वेरी सटल, यू नो इट्स लुकिंग वेरी सटल ऑन मी कैन सी. एंड दिस साइड आई कैन फील दैट आई कैन सी दैट सिल्वरिश टोन जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है बिकॉज आई हैव डस्की स्किन टोन, दैट्स वाई. दोनों की यू नो मॉइस्चराइजेशन लेवल की बात की जाए तो दोनों ही इनफ आपकी स्किन को मॉइस्चराइज कर देंगी इस हॉट ह्यूमिड वेदर में. आपको एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर की जरूरत डेफिनेटली नहीं पड़ने वाली है इफ यू हैव ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन टाइप और नॉर्मल स्किन टाइप. अगर आपकी ड्राई स्किन टाइप है देन डेफिनेटली आपको एक अच्छे मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ेगी. बट आई रियली लाइक द इफेक्ट ऑफ यू नो मामा अर्थ वाली साइड का. यू कैन सी एक सटल ग्लो है मेरी स्किन के ऊपर एंड इट्स लुकिंग वेरी नेचुरल कंपेरेटिव टू लैक्मे लुमिक्रम. लैक्मे लुमिक्रम में और कोई दिक्कत नहीं है मुझे, जो एक सिल्वर टेंट आ रहा ना वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दैट्स ऑल. बाकी तो मुझे ये मामाअर्थ वाली से मुझे ऐसे लग रहा था कि बहुत ज्यादा पिंक ह्यू होने की वजह से मे बी ये मेरी स्किन के ऊपर अच्छा ना लगे बिकॉज मैंने इसको स्किन के ऊपर नहीं ट्राई किया था. इट्स माई फर्स्ट इंप्रेशन ऑन माई स्किन. मैंने हैंड के ऊपर सिर्फ स्वॉच करके देखा था बट टू माई सरप्राइज इट्स लुकिंग वे बेटर देन यू नो लैक्मे लुमिक्रम. सो या सो अगर आपको परचेज करना है मामाअर्थ का लैक्मे लुमिक्रम डेफिनेटली आप परचेज कर लो. अगर आपका कोई भी स्किन टाइप है, आप दोनों को साइड बाय साइड दोनों का ही यू नो कंपैरिजन करके दिखा दिया है. इसमें फ्रेग्रेंस लैक्मे में फ्रेग्रेंस थोड़ी सी ज्यादा है. इफ यू डोंट लाइक फ्रेग्रेंस देन इजिली स्किप ऑन दिस प्रोडक्ट बिकॉज यू हैव नाउ अ वेरी 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 गुड ऑप्शन एट सेम प्राइस पॉइंट आई वुड से मामाअर्थ की. तो मामाअर्थ भी लाइक 300 में आता है, लैक्मे भी 300 में आता है. सो अगर आपको ऐसा कुछ दिक्कत आ रही थी कि लैक्मे लुमिक्रम बिकॉज मेरे को ना लैक्मे लुमिक्रम की जो मैंने स्पेसिफिक वीडियो यू नो आप लोगों से शेयर की थी उसमें मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते कि दीदी मेरी स्किन के ऊपर अप्लाई करने के बाद ये थोड़ी मेरी स्किन को डल बना देता है. वो इसी वजह से डल बना देता है बिकॉज इफ यू हैव डस्की स्किन टोन लाइक माइन तो इसमें सिल्वर टिंट होने की वजह से ये आपकी स्किन को डल बना रहा है. बट आई डोंट थिंक सो कि मामाअर्थ में ऐसी कोई दिक्कत आपको आने वाली है. प्राइस पॉइंट एंड द क्वांटिटी इज एग्जैक्टली सेम. नाउ यू कैन मेक योर डिसीजन कि आपने मामाअर्थ वाली ल्यूमिक्रम लेनी है या फिर आपने लैक्मे वाली लेनी है. अगर हम मोटा मोटा बताएं बात करें तो इसमें लैक्मे में आपको फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा मिल जाएगी एंड इसमें एक जो पिंक हिंट है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है. इसी वजह से इफ यू हैव डस्की स्किन तो वो आपकी स्किन को डल बना रहा है बिकॉज यूजली क्या होता है गोल्डन टिंट जो होते हैं ना वो हमारी स्किन के ऊपर ज्यादा अच्छे से जाते हैं. अदरवाइज मामाअर्थ वाले में भी पिंक टिंट है बट इट्स नॉट वेरी स्ट्रांग कि वो आपकी स्किन को डल बनाए. यू कैन सी मेरी स्किन के ऊपर बिल्कुल वही दिख नहीं रहा है यू नो वो पिंक टिंट की वजह से. ऐसा नहीं मेरी स्किन यू नो डल हो गई है, इनफैक्ट काफी अच्छा एक यू नो वेरी सटल ग्लो आ गया है मेरी स्किन के ऊपर जो कि अच्छा लग रहा है. एंड इट्स नॉट वेरी स्टिकी एज वेल, बहुत हैवी फील नहीं हो रहा. अदर एट द अदर साइड आई थिंक थोड़ा सा लैक्मे की ल्यूमिक्रम थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी 19-21 का फर्क है, 19-20 का फर्क है, थोड़ा सा हैवी है. अदरवाइज नाउ यू कैन मेक योर डिसीजन कि आपको कौन सा वाला लेना है. मुझे मामाअर्थ वाला थोड़ा सा ज्यादा भी अच्छा लग रहा है. So yeah, that's it. That's it for today's video, guys. I hope आप लोगों के लिए ये मिनी सा शॉर्ट रिव्यू बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर से शेयर करना. आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन बाय एंड टेक.